श्रीनगर पुलिस को गुटखे की तस्करी करने वालों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 1,41,00,000 की अवैध गुटखे के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि उपयोग किए जा रहे वाहन को सीज कर दिया गया है। बरामद माल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1,41,00,000 रुपए आंकी जा रही है। SSP पौड़ी ने अवैध गुटखे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि कलियासौर चौकी के समीप निरीक्षण के दौरान अवैध वन संपदा गुटखे की परिवहन में गिरफ्तार किए गए तस्कर उत्तर प्रदेश सहारनपुर के रहने वाले हैं। वे चमोली जिले के जोशीमठ से 211 किलोग्राम गुटखे की तस्करी कर दिल्ली जा रहे थे। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर हिमालय में मिलने वाली इस दुर्लभ जड़ी बूटी की तस्करी कर महानगरों में बेचते थे। सीओ महानगर ने बताया कि तस्करों को गिरफ्तार करने वाली टीम को SSP पौड़ी ने 5,000 रुपए का इनाम भी दिए जाने की घोषणा की है। श्रीनगर से भगवान सिंह की रिपोर्ट। हाँ, ये लगभग इसकी जो कीमत है, जो हमने जो मालूमात करवाया है, तो इसकी कीमत लगभग 1,41,00,000 के आसपास इसकी कीमत है। गुटखे जो ये जड़ी है, ये कल हमारे जो हमारी चौकी है कलियासौड़ में, वहाँ पे शाम को चेकिंग के दौरान एक सफारी गाड़ी में ये माल पकड़ा गया है, जो चमोली से लाया जाना बताया जा रहा है।